हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे एम्स रायपुर में आई वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, प्रोसेस और सैलरी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोज लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करते हैं एम्स रायपुर में वैकेंसी की। एम्स रायपुर में एक प्रोजेक्ट वर्क के लिए ये वैकेंसी आया हुआ है और ये वैकेंसी जो है इसमें दो टाइप के पोस्ट हैं जो कुछ इस प्रकार है। तो पहला जो पोस्ट है उसका नाम है योगा इंस्ट्रक्टर, जिसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है एमएससी इन योगा या बीएससी इन योगा या एमए इन योगिक साइंस, और साथ ही साथ अगर आपने कोई ग्रेजुएशन कोर्स किया हुआ है और आपने डिप्लोमा किया हुआ है योगा में तो भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ इसमें एक्सपीरियंस भी रखा गया है और एक्सपीरियंस के रूप में आपके आपको होना चाहिए वो है कि आपको योगा सिखाने आना चाहिए, इट मीन्स आपको टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि आप कंप्यूटर में प्रेजेंटेशन दे सकें। इसके बाद जो इसमें जो ड्यूटी होगी आपकी, अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो ड्यूटी कुछ इस तरीके से है कि आपको योगासन सिखाना है और साथ ही साथ रिसर्च वर्क करना है कि इस योगा आसन से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे ह्यूमन बॉडी पे, ये सब चीज़ों को साथ ही साथ मेंटेन करके रखना है, मेंटेनेंस रखना है जो भी अटेंडीज होंगे उनको, और साथ ही साथ आपको पर्सनल इंटरव्यू जो प्रोजेक्ट जो रहेगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का उसको आपको असिस्ट करना है, और साथ ही साथ टाइम टू टाइम असिस्ट द प्रोजेक्ट फेलो वर्क, जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो वर्क है उसमें भी आपको असिस्ट करते रहना है। इसमें जो एज लिमिट रखा गया है वो है 30 ईयर्स। इसके बाद जो सेकंड पोस्ट है उसका नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है बैचलर डिग्री और साथ ही साथ कंप्यूटर का कोई भी कोर्स या फिर बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर आपका आईटी में या आपका जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, ये आपका क्या होना चाहिए, एक इसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें रखा गया है। साथ ही साथ इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन रखा गया है कि आपको डाटा हैंडलिंग आना चाहिए और साथ ही साथ आपको कंप्यूटर के जो एप्लीकेशंस हैं, इट मीन्स बेसिक एप्लीकेशन वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, MySQL, ये सारी चीज़ों का एक बेसिक नॉलेज आपको होना ही चाहिए। इसमें जो नेचर ऑफ ड्यूटीज़ है वो कुछ इस तरीके से, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है आपको केस रिपोर्ट की मेंटेनेंस करना है, उसको चेक करना है, डाटा एंट्री का वर्क करना है, आपको असिस्टेंट की तरह वर्क करना है, और अगर आपको कोई भी और वर्क प्रोवाइड किया जाए इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो भी आपको ये वर्क परफॉर्म करना है। इसमें एज लिमिट रखा गया इस पोस्ट के लिए भी वो है 30 ईयर्स, और जैसा कि मैंने कहा कि ये एम्स रायपुर के लिए आया हुआ है, इट मीन्स सिलेक्शन के बाद आपका जो पोस्टिंग होगा वो एम्स रायपुर टाटीवन में ही होगा। इसमें अप्लाई करने का जो तरीका है वो है ऑफलाइन मोड, जिसका लिंक, इट मीन्स किस जगह पर अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, ये सारी जानकारी आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट एरिया पर भी मिल जाएगा। इसमें तरीका कुछ ऐसा है सिलेक्शन प्रोसेस का कि सबसे पहले आपको डाउनलोड करना है आपको एप्लीकेशन फॉर्म, और आप उस फॉर्म को फिल करने के साथ साथ अपने सारे सर्टिफिकेट को सेल्फ अटेस्ट करके अटैच करना है, और आप चाहो तो डायरेक्टली आप इनके ऑफिस में जा सकते हो या फिर आप डाक के द्वारा, इट मीन्स पोस्ट ऑफिस के द्वारा भी आप इस पूरे एप्लीकेशन को पोस्ट कर सकते हो। ध्यान रखिएगा जब आप जो है पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजेंगे तो वहाँ पर आपका जो इन्वेलप होगा इस इन्वेलप के ऊपर साफ साफ शब्दों में पोस्ट नेम होना चाहिए, इट मीन्स अगर आपने योगा टीचर के लिए आपने अप्लाई किया है तो वो लिखा होना चाहिए या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसका जो पहुंचने का जो लास्ट डेट है वो है 20 जून 2022, यानी तब तक आपका सारा जो डॉक्यूमेंट है वो पहुंच जाना चाहिए। इसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट होने के बाद अगर बहुत सारे कैंडिडेट हो जाते हैं आपका एक एग्ज़ाम रखा जा सकता है, और अगर
बहुत ही कम कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं, इट मीन्स एलिजिबल मिलते हैं, सो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू राउंड रखा जा सकता है। सो आप मान के चलिए कि आपका एक रिटर्न टेस्ट और साथ ही साथ एक पर्सनल इंटरव्यू होगा ही। और ध्यान रखिएगा, चूँकि ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी पोस्ट है तो इसमें स्किल टेस्ट भी रखा जा सकता है। तो आपके पास एक बहुत ही बढ़िया मौका है इसमें वर्क करने का, एम्स रायपुर में प्रोजेक्ट वर्क करने का और एक अपना शानदार कैरियर बनाने का। तो बिल्कुल जाइए इसे देखिए, अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।